सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, जो दिल से दिया जा सकता वो हाथों से नहीं। आज का पंचांग 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 12:19 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 9:55 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार, रिश्ते में अगला कदम उठाने के लिए यह एक अच्छा समय है। बैठकों और विश्लेषण करने में और नई योजना बनाने में समय व्यतीत होगा। घर पर मामलों को नज़रअंदाज ना करें। परिवार खासकर दादी या दादी जैसे किसी स्त्री के लिए समय निकालें। आपके दिमाग में अपनी अस्तित्व को लेकर सवाल उठ सकती हैं। संबंधों को मजबूत बनाना प्यार के दिन का केंद्र बिंदु होगा। अपने विचारों से इकट्ठा करके कार्य करना आपकी समझदारी को प्रदर्शित करता है। शांतिपूर्ण समय व्यतीत करना भी अच्छा विचार है। चुप रहना एक साधना है और जबकि सोच समझकर बोलना एक कला है। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उचित समय है। सिर्फ अपने कार्य को जल्दबाजी के बजाय सहज तरीके से और सोच समझकर पूरा करने की कोशिश करें। अनुभवी लोगों का भी सानिध्य मिलेगा। आपके द्वारा बनाई गई योजना पर काम करने का समय है। जिस बात की चिंता आपको सता रही है उसे दूर करने का रास्ता मिलेगा। जिन लोगों के द्वारा बातचीत बंद है उन्हें होने वाली तकलीफ को समझने की कोशिश करें। आपसी विवाद और नाराजगी को सामंजस्य से दूर करें। काम से संबंधित किए गए प्रयत्न और आपकी अपेक्षाओं में संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लव लाइफ की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में व्यस्तता बढ़ रही है। शरीर में पानी की मात्रा कम ना होने दें। सावधानियां, घर की व्यवस्था को उचित बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय ना लें बल्कि धैर्य पूर्वक परिस्थिति को सकारात्मक बनाएं। छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना ठीक नहीं है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर कोई करीबी मित्र आप में दिलचस्पी दिखाए या प्लट करे तो हैरान ना हो, क्योंकि आपका आकर्षण है ही कुछ ऐसा। अभी धन से जुड़े मामलों को अपनी रोमांस से दूर रखें। अपने जीवन साथी के साथ कुछ सुखदायक और रचनात्मक क्षणों को बिताएं और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें, क्योंकि अपने बारे में सब कुछ बताने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। मोहब्बत से भरे हुए दिन और रात को व्यर्थ ना जाने दें। इनका उचित प्रयोग करें अपने साथी को लुभाने का, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। बात करते हैं करियर की। आप धन के नुकसान के कारण हताश हो सकते हैं, लेकिन याद रखें उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। नई योजना बनाकर फिर से नई ऊर्जा के साथ प्रयास करें। नए वातावरण में भी काम करने का मौका मिल सकता है। आज आप अपनी पहचान के बारे में सोच रहे हैं। प्रकृति के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाएं और इस समय खुद को बेहतर बनाने की ओर ध्यान को केंद्रित करें। उन लोगों के लिए यह सही समय है जो शांति चाहते हैं।
सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। बात करते हैं सेहत की। खांसी जुकाम जैसी परेशानियों को लापरवाही में ना लें, अपना उचित इलाज अवश्य करवाएं। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को सिंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।